एप्टीट्यूड की इस टेस्ट सीरीज में मैं अभिंद्र रंगा आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, बड़ी हंसी आती है, मैं एक से एक बढ़िया लेसन आपके लिए तैयार करता हूं, अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर मैं वीडियो आपके सामने रखता हूं, लेकिन आप लोग उसे देखकर आगे निकल जाते हैं। बहुत से लोग तो सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते। बहुत से लोग लाइक कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। स्टूडेंट्स, आप ऐसा क्यों करते हैं? इतनी मेहनत के साथ तैयार किया गया टॉपिक आपके लिए बहुत अहम होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या आप हमें इतना सा रिवार्ड नहीं दे सकते कि उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस पर कॉमेंट करें? स्टूडेंट्स, इससे टीचर का मनोबल बढ़ता नहीं है, इससे टीचर का मनोबल बहुत डाउन होता है, आप समझ सकते हैं और आपको समझना भी चाहिए। तो इसलिए आप रिस्पॉन्स जरूर दें। आप समझ सकते हैं कि अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट मैटर तैयार हो सकेगा। स्टूडेंट्स, देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है। व्हाट विल कम एट द यूनिट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस 1, 2, 2। नीचे मल्टीप्लिकेशन दी गई है स्टूडेंट्स, और ये मल्टीप्लिकेशन हम डिटेल में नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, इसका शॉर्टकट होना बहुत ज़रूरी है। लगभग सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। देखिए, ये 3 का घन 57 गुना 6 का घन 42 गुना 7 का घन 53, 3 की पावर 57 इंटू 6 की पावर 42 इंटू 7 की पावर 53। कहता है कि इकाई के इनकी गुना करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको 3 के इकाई के अंक के बारे में बताता हूं। देखिए, हमें कैसे पता लगाना चाहिए 3 की पावर 57। अब हम 57 बार गुना थोड़ी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 3 को 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए, हम 4-5 बार 3 को लिखकर पता लगा सकते हैं कि 3 की हम कितनी बार गुना करते जाएं तो क्या क्या अंक आएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 3 पहला है, तो 3 को 3 से ही गुना करते हैं, 3 एकम 3, तो देखिए 3 यहाँ पर आता है। फिर देखिए 3 तिया 9, तो देखिए 9 यहाँ पर आता है। फिर देखिए 9 तिया 27, तो 27 का 7 पहले आता है। 7 तिया 21, 21 का देखिए 1 पहले आता है। अब 1 तिया 3, तो देखिए 3 वापिस आ जाता है। इसका मतलब 3 के अंक की हम लगातार गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पहली बार 3 आ रहा है, दूसरी बार 9, फिर 7, फिर 1, उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब 4 बार के बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम 57 को 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए 57 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 16 पे कट जाता है, 16 पे, लेकिन एक शेष बचता है, 56 तक कट जाता है, एक शेष हमें प्राप्त होता है। अब ये एक हम देखते हैं, तो एक को देखने बाद हमें एक से गुना करनी है, किसको, 3 से। देखिए स्टूडेंट्स, एक शेष बचता है, तो 3 एकम 3, तो यूनिट प्लेस पे क्या है, देखिए पहली बार में क्या है, पहला यूनिट प्लेस जो है वो यहां 3 एकम 3 ही प्राप्त होता है, क्योंकि यहां कितना शेष बचा है, 1, तो 1 नंबर पे जाके देखते हैं तो 3 मिलता है हमें, तो 3 यहां पर 3 गुना। अब हम 6 का देखते हैं स्टूडेंट्स, 6 को करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, तो देखिए 6 छिक 6 एकम 6 ही आया, 6 छिक 36 36 का भी 6 6 छिक 36 36 का भी 6 6 छिक 36 36 का भी 6 6 छिक 36 36 का भी 6, तो देखिए 6 का हम कितनी बार भी गुना करते हैं डिजिट बदलती ही नहीं है, 6 ही रहती है। तो इसका मतलब ऊपर 42, 6 की पावर 42, क्या चाहे कितनी बार भी हो, यहाँ यूनिट प्लेस जो है 6 ही रहेगा। अब गुना करके अगले पे जाते हैं, 7 पे। अब 7 का देखिए स्टूडेंट्स, 7 का करते, 7
गुना सात गुना सात गुना सात गुना सात। ये देखिए सात एकम सात, सत्तु सत्तु उनचास, नौ नौ सत्ता तिरसठ तीन, तीन सत्ता इक्कीस एक, और एक सत्ता सात, फिर सात रिपीट हो गया। देखिए यहां भी चार बार के बाद सात फिर रिपीट हो गया। इसका मतलब अगर एक शेष बचता है तो सात आ जाएगा, दो शेष बचता है नौ आ जाएगा, तीन शेष बचता है तीन आ जाएगा, और चार शेष बचता है जी एक पर चले जाएंगे। ये देखिए चार चार शेष बचता है तो एक। अब हम 53 को चार से भाग देते हैं, 53 बटा चार, चार एकम चार, एक चार तीय बारह। देखिए एक शेष यहां बचता है तो सात में एक नंबर पे क्या है, ये देखिए स्टूडेंट्स एक यूनिट प्लेस पे सात है, तो यहां पर हम इसको सात से गुना करते हैं। अब देखते हैं कि इसकी गुना करने पर क्या आएगा। देखिए तीन तीन छिक अठारह, ये देखिए तीन छिक अठारह आठ आता है, और आठू सतु छप्पन छ आता है। देखिए अगर हम यहां गुना करते हैं तीन छिक अठारह आठ, आठू सतु छप्पन छ, छप्पन का छ, तो देखिए हमें हमारा आंसर मिलता है कि यहां इसकी गुना करने पर यूनिट प्लेस जो है वो छ होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस तरह की डिजिट की अगर मल्टीप्लिकेशन दी गई हो तो हमें हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को देखिए, व्हाट विल कम एट द यूनिट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन वन टू टू, यानी नीचे लिखी डिजिट को गुना करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स इसमें इकाई का अंक हमें ढूंढना है, 15 का घन 37 गुना 28 का घन 78 गुना 14 का घन 35। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए यहां पर यहां एक दिया गया है, इसका कोई भी मतलब इसमें नहीं है, हमें सिर्फ 5 का देखना है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स दो आगे दिया गया है 28 है, लेकिन हमें सिर्फ 8 की चिंता करनी है, हमें 8 को देखना है, 8 की पावर देखनी है। यहां हमें एक की कोई चिंता नहीं करनी है, केवल 4 की देखनी है, 4 की पावर 35। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि कई अक्षर ऐसे होते हैं जिनका सेम इनटू करने पर, सेम यानी गुना करने पर सेम जो है डिजिट आती है। जैसे 5 को कितनी बार भी हम गुना कर लें, चाहे कितनी भी बार हम इसको गुना करें, 5 5 ही रहता है। तो देखिए 5 की 37 बार गुना करेंगे तो भी 5 ही रहेगा, 5 एकम 5 5 फिर 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5, ये देखिए आप करके भी देख सकते हैं, फिर 5 5 25 फिर 5 5 25। तो देखिए स्टूडेंट्स 5 की गुना हमें करने की जरूरत नहीं है, तो 5 का हम लिख लेते हैं 5 गुना, यानी ये तो हमारा यही सोल हो गया। अब देखिए हम अब 8 को देखते हैं, तो 8 की पावर 78 बार, तो देखिए हम 8 का बनाकर देखते हैं, 8 का 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 4 बार में तो किसी भी डिजिट का यूनिट प्लेस बदल जाता है स्टूडेंट मैक्सिमम, और इससे कम भी रहता है। तो 8 का देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां देखिए 8 एकम 8 पहले में एक नंबर पे, 8 8 64 4 4 8 32 2 2 8 16 6 6 8 48 8। देखिए रिपीट हो गया, इसका मतलब एक नंबर पे 8, दो नंबर पे 4, तीन नंबर पे 8 और चार नंबर पे 6, और फिर वापिस बदल गया, तो इसका मतलब 4 बार में बदल जाता है। तो अब हम 78 को 4 से भाग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स 78 को हम 4 से भाग करते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 नीम 36, देखिए 4 एकम 4 यहां पर बचते हैं 3, 4 नीम 36 तो क्या बचता है स्टूडेंट्स 2, ये देखिए 2 2 रिमाइंडर 2 शेष बचता है, तो 2 नंबर पे आएंगे, 1 नंबर पे 8 और 2 नंबर पे 4, तो देखिए
28 का हमें मिला है 4 यूनिट प्लेस, फिर गुना, फिर अगले का देखते हैं, अगला क्या है 4, तो 4 की परवाह हमें करनी है, 4 को 35 से 35 पावर इसकी देखनी है, तो देखिए 4 को देखते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो देखिए 4 एकम 4 यूनिट प्लेस एक नंबर पे, 4 चौक 16 6, 6 चौक 24 4, 4 चौक 16 6, तो देखिए स्टूडेंट्स 4 का तो दो बार में ही बदल जाता है, तो यहां 4 बार का चक्कर नहीं है, दो बार में फिर रिपीट हो जाता है, तो अब की बार हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, किसको 35 को, तो 35 को 2 से भाग करते हैं तो सीधा सा दिखाई दे रहा है कि एक शेष बचेगा, देखिए इसको काटते हैं तो ये यहां पर 34 तक कट जाता है, लेकिन कितना शेष बचता है एक, तो देखिए एक नंबर पे क्या है, एक नंबर पे यहां 4 हमें प्राप्त होता है, हम जाकर ऊपर गुना में 4 कर देते हैं, तो देखिए ये 5 हमें 15 से प्राप्त हुआ, ये 4 28 से प्राप्त हुआ और ये 4 14 से प्राप्त हुआ, और गुना करते हैं तो 5 चौका 20, देखिए 0 आ गया यूनिट प्लेस, और 0 जहां पर आ जाए तो सबको 0 0 4 0, तो देखिए इस इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन का जिसमें पावर भी बहुत हैवी है, देखिए इसमें हमें केवल 0 प्राप्त होता है यूनिट प्लेस, इसकी गुना करने पर 0 आएगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए किसी भी प्रकार से कितनी भी बड़ी बड़ी इस प्रकार की डिजिट हो, हम इस तरह से उसका मल्टीप्लिकेशन यूनिट प्लेस बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स हाल ही में मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है rangaclasses.com। इस चैनल पर भी आपको नए नए और डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिलेंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल के साथ साथ rangaclasses.com चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट भी अवश्य करें। देखिए स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना, तो देखिए व्हाट विल कम एट द यूनिट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए स्टूडेंट्स कहता है कि इकाई के अंक के स्थान पर क्या होगा इस मल्टीप्लिकेशन में, इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, देखिए 2469 की पावर 153, 343 की पावर 62 उसको इंटू किया गया, गुना किया गया है, कहता है यूनिट यानी इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां हम इस 9 को लेंगे, केवल 9 को, इनको छोड़ दीजिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं हमें केवल यूनिट प्लेस इकाई का अंक देखना है, तो हम 9 पे जाते हैं स्टूडेंट्स, वही बात देखिए 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, तो देखिए 9 एकम 9, 9 आता है एक नंबर पे, 9 निम 81 एक आता है दो नंबर पे, 1 निमा 9 9 आता है, 9 निम 81 एक आता है, तो देखिए स्टूडेंट्स 9 की डिजिट यूनिट हर दूसरे यूनिट तीसरे यूनिट प्लेस पे बदल जाती है, हर 2 के बाद बदल जाती है, तो स्पष्ट है कि यहां हमें 153 को 2 से डिवाइड करना होगा, तो स्टूडेंट्स पता है आपको रिमाइंडर क्या बचा, एक एक ही तो रिमाइंडर बचा, एक ही तो शेष बचा, अगर 153 को 2 से डिवाइड करते तो एक शेष बचता है और एक नंबर पे क्या है 9, तो इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस 9 होगा। अब हम देखते 343 पे, तो ये इसको हम छोड़ देते हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है, केवल 3 को देखिए, 3 को 62 बार गुना, तो 3 की गुना देखते हैं स्टूडेंट्स, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, देखिए और 9 तिया 27 का 7 और 7 तिया 21, और आगे और करके देख लेते हैं, 1 तिया 3, देखिए फिर रिपीट हो गया, इसका मतलब क्योंकि 4 बार से ज्यादा, 4 से मैक्सिमम 4 से ज्यादा किसी भी अंक का यूनिट प्लेस नहीं होता, उसके बाद बदल जाता है, तो देखिए यहां 4 है, 4 बार के बाद बदलता है, 4 से हम 62 को भाग करेंगे, तो देखिए 62 बटा 4, 4 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20, कितना बचा देखिए 2, तो यहां 9 को हम 2 नंबर पे देखिए कितना बचा 2, तो यहां 2 नंबर पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स
दो नंबर पे हमें 9 मिलता है, तो 9 × 9 इसका मतलब इसका भी 9 यूनिट प्लेस और इसका भी 9 यूनिट प्लेस, तो 9 × 81, 81 का क्या आता है स्टूडेंट्स, 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में कितना बड़ा क्वेश्चन है, हमें केवल 1 यूनिट प्लेस इसमें प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए समझाना तो पड़ता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता और मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं होता, मैं एक कंपटीटर होता तो मैं तो इसको सेकंडों में निकाल लेता। लेकिन स्टूडेंट्स समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए एक बार बेस की तो जरूरत होती है, क्योंकि शॉर्टकट बाद में होता है, पहले समझना होता है। जब समझ में आ जाए चीज, कोई भी मेथड आपको समझ में आ जाता है तो शॉर्टकट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।